हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज का वीडियो भी आयरन पे ही बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज मैं आपको आयरन से रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि उसके डाइटरी फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी, आयरन के क्या बेस्ट सोर्सेज हैं उसके बारे में बताऊंगी, और किस तरह आप नेचुरली अपने बॉडी में आयरन को बूस्टअप कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगी। तो वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स शेयर करूंगी, वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आयरन जो है वो ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहता है। इसका जो मेन काम होता है वो लंग से ऑक्सीजन सारे सेल्स तक पहुंचाना होता है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से लंग्स तक लाना होता है, जिससे कि सारे सेल्स को एनर्जी मिलती है और वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं बहुत सारी डिटेल शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज चेक जरूर कीजिएगा। आयरन की बेसिकली दो डाइटरी फॉर्म्स होती है, एक होती है हीम आयरन जो कि हमें एनिमल बेस्ड फूड से मिलती है, दूसरी होती है नॉन हीम आयरन जो कि हमें प्लांट बेस्ड फूड से मिलती है। हीम आयरन जो है हमारी बॉडी इजीली अब्जॉर्ब कर लेती है, बट नॉन हीम आयरन को अब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है, तो मैं आगे उस बारे में बात करूंगी। अब मैं आयरन के सोर्सेस के बारे में बात करूंगी। ये बात बहुत ज़्यादा ट्रू है कि नॉन वेजिटेरियन लोगों की आयरन रिक्वायरमेंट इजीली पूरी हो जाती है, जबकि जो स्ट्रिक्ट वेगन डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया नॉन हीम जो आयरन होता है उसे अब्सॉर्ब होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बॉडी को, तो उसके भी कुछ मतलब फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं बताना चाहूंगी जो नॉन वेजिटेरियन है उनको किस किस चीजों में आयरन मिल सकता है। आयरन का जो मेन सोर्स है नॉन वेज में वो है रेड मीट, चिकन, फिश, अंडा और लीवर, जो कि कलेजी भी बोली जाती है। इसमें बहुत हाई लेवल में आयरन होता है और इसको बॉडी इजिली अब्सॉर्ब कर लेती है। अब मैं वेजिटेरियन डाइट में आयरन का सोर्स बता देती हूँ। बीन्स में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। बीन्स में जैसे कि काला चना हो गया, वाइट चना हो गया, राजमा हो गया, दालें हो गई, होल ग्रीन्स में भी बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है, जैसे कि गेहूँ, ओट्स, राइस, इन सब चीज़ों में आयरन पाया जाता है। इसके साथ साथ आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं जिसमें कि आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके साथ साथ आप कैबेज ले सकते हो, केल ले सकते हो, बीट रूट ले सकते हैं, ब्रिंजल में भी आयरन पाया जाता है एंड ब्रोकली में भी आयरन पाया जाता है। इसके साथ साथ आप फ्रूट्स में कौन कौन से ले सकते हैं बता देती हूँ। फ्रूट्स में आप ले सकते हैं अनार और एप्पल, गुआवा और बनाना, ये सब एक अच्छा सोर्स है आयरन का। जब भी आप फ्रूट ले रहे हो, अगर रेड या ग्रीन फ्रूट है तो मोस्टली उसमें आयरन होता ही होता है। इसके साथ साथ आप अलग से जैसे जैगरी वगैरह भी लेते हैं तो उसमें भी अच्छा आयरन आपको मिल जाता है। तो ये जो आयरन के सोर्सेस थे ये सारे प्लांट बेस्ड आयरन सोर्सेस हैं, तो ये सारे नॉन हीम टाइप के आयरन सोर्सेस हैं। तो इसके साथ अगर हम विटामिन सी का कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो इससे हमारी बॉडी आयरन को इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम राजमा लेते हैं तो उसके साथ टोमेटो ऐड कर देते हैं तो इससे हम इजीली आयरन एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम ओट मील ले रहे हैं तो उसके साथ अगर हम ऑरेंज जूस ले लेते हैं तो हमारा जो है आयरन बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी तरह आप जो कॉम्बिनेशन है वो आप चाहें तो जाके जो है इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप कॉम्बाइन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट भी एक अच्छा सोर्स है आयरन का। रेजिन्स एंड एप्रिकॉट में एक अच्छे लेवल का आयरन पाया जाता है, तो इसका अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। अब मैं बात करूंगी किस तरह से आप नेचुरली अपने बॉडी में आयरन को बूस्टअप कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है टेक मोर एंड मोर आयरन रिच फूड। कई बार होता है कि हम डेली बेसिस पे सेम तरह का डाइट फॉलो करते हैं जिससे कि हमारे डेली बेसिस पे जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो ट्राई कीजिए अपने एज के अकॉर्डिंगली और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आयरन को डाइट में शामिल कीजिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम प्रोसेस्ड फूड लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है होल ग्रेन फूड लीजिए। सेकेंड है अवॉइड कॉफ़ी एंड टी विद योर मील्स। क्या होता है जब हम खाने के साथ कॉफ़ी या टी लेते हैं तो उससे हमारा आयरन जो है वो प्रॉपरली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। टी एंड कॉफ़ी में कैफीन होती है, टैनिन होती है, पॉलीफिनाइल होती है, जो कि आयरन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में रिस्ट्रिक्ट करती है। एक रिसर्च में पाया गया कि एक कप ब्लैक टी 60% तक
आयरन एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देती है। तो आप समझ सकते हैं कितना ये हार्मफुल है। तो आप टी एंड कॉफी जरूर लीजिए, बट सेपरेटली लीजिए, मील्स के साथ बिल्कुल मत लीजिए। थर्ड है, अगर आप किसी भी तरह का कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं तो उसको आयरन रिच फूड के साथ मत लीजिए, उसपे कुछ गैप कर सकते हैं। और अगर आपका आयरन लेवल कम है तो उस टाइम ट्राई कीजिए जितना कम से कम आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है वो बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। फोर्थ इज अवॉइड टू टेक एंटीबायोटिक्स एंड एंटासिड्स। अगर आपको किसी डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है तो डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए, बट अगर आपको इतना ज़्यादा स्टमक रिलेटेड इश्यू नहीं है या डाइजेस्टिव इश्यू नहीं है तो आप प्लीज़ इन मेडिसिन को मत लीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एंड एंटासिड्स जो होते हैं वो बॉडी के जो स्टमक की एसिड होती है उनको बहुत लो कर देते हैं, जिससे कि स्टमक में आयरन एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम होती है। तो जितना से कम आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं उतना कीजिए। फिफ्थ इज ट्राई टू यूज आयरन कुकवेयर। आजकल वैसे भी ये सबको पता है कि नॉन स्टिक कुकवेयर हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो हम या तो स्टील के कुकवेयर्स यूज करते हैं या फिर हम आयरन के कुकवेयर यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मिल्क में आयरन का लेवल बहुत ही कम होता है, तो अगर हम इसे लोहे के किसी कुकवेयर में इसको बॉयल करते हैं तो दूध के अंदर भी आयरन के गुण आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा आयरन चाहिए तो आप जरूर आयरन कुकवेयर यूज कीजिए। तो ये सारी डिटेल्स थी आयरन से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलने के लिए आप प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।